हेलो ऑल, आज हमारा जो टॉपिक है वो टूल वेयर है, टूल वेयर इन मेटल कटिंग। तो मेटल कटिंग करते वक्त आपका जो टूल है वो वेयर आउट कर जाता है, घिस जाता है। वेयर आउट करना मतलब घिस जाना, तो वो जो घिस जाता है तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी घट जाती है और वो उतने अच्छे से मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाता है, तो हमें उसे फिर रीशार्प करना पड़ता है। तो उसमें देखते हैं कि वेयर आउट कैसे कैसे होता है। तो वो डिफरेंट टाइप से होता है, एक है आपका क्रेटर वेयर और दूसरा है आपका फ्लैंक वेयर। ये दो तरह से आपकी टूल वेयर आउट होता है। तो वन बाई वन इसको प्रोसीड करके समझते हैं। तो पहला है क्रेटर वेयर। क्रेटर वेयर को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देख रहे होंगे तो एक ये आपका वर्कपीस है और ये आपका टूल है, ठीक है। और ये आपका चिप ऐसे फॉर्म होकर ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते हुए जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जब प्रेशर, जब ये कटिंग होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो टूल और वर्कपीस के बीच में, यानी कि मान लीजिए वर्कपीस इस साइड, कटिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो चिप और टूल के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया होता है, ये रीजन टूल चिप टूल इंटरफेस जिसे कहते हैं। इस चिप टूल इंटरफेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है और चिप जो है वो अप्लाई करता है प्रेशर टूल के टूल फेस पे। तो ये टूल फेस है सर, चिप टूल का ये टूल फेस है जिस पे आपका चिप जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आने की वजह से प्रेशर भी अप्लाई करता है। और वो क्या करता है, साथ में इसमें मटीरियल जो है वो हाई, एक टेम्परेचर इसमें राइज कर जाता है पहली बार, और मटेरियल हीट अप होने की वजह से जो टूल अप और इनके बीच में एकदम प्रेशर भी रहता है। तो साथ में क्या होता है, जो मटेरियल है आपका टूल के अंदर, उसमें से कुछ मटेरियल निकल के डिफ्यूज़ होने लगता है चिप के साथ। तो वो जब चिप आगे ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसमें से मटेरियल टूल में से निकल के चिप के साथ लग के साथ में निकलता जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका थोड़े टाइम के बाद कंटिन्यूस यही सब करने से, मैं इसको साफ कर दूँ जरा, कंटिन्यूस यही सब करने से क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये एक गड्ढा इसमें बन जाता है, टूल फेस के ऊपर गड्ढा बन जाता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये चिप टूल के टूल फेस पे ये एक पेनिट्रेशन आ गया है, ठीक है। इसको जूम करके देखें तो अगर मैं बोलूँ इसकी और इसकी डायमेंशंस हम किस, और ये गड्ढा हो जाता है क्योंकि वेयर आउट होने लगता है टूल में से मटेरियल निकल के चिप के साथ कॉन्टैक्ट होकर फ्लो होते जा रहा है, चिप के साथ चला जाता है। तो आपका मटेरियल कम होता जाएगा धीरे धीरे, तो टूल आपका वेयर आउट होता चला जाएगा टूल फेस पे से, और धीरे धीरे क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है। और ये जनरली गड्ढा आप देख रहे होंगे, आपका जो टूल का पॉइंटेड एज है जो यहाँ पे, जिसको नोज रेडियस जहाँ बना होगा, उससे एक ए डिस्टेंस दूर पे होता है। तो ये अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस। इस ए डिस्टेंस दूर पे एक गड्ढा बनना फॉर्म शुरू होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही एक क्रेटर गड्ढा बनता है, और इसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर या और वेयर आउट, क्रेटर वेयर, ठीक है। और इस क्रेटर को नापने का, इसको फिजिकली डायमेंशन को नापने के लिए दो डायमेंशन है, एक कि इसकी विड्थ कितनी है, अगर आप ये डायग्राम में देख रहे होगे तो ये विड्थ दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कितने डेप्थ तक गया है, तो आपका अगर ये टूल फेस था तो वो कितने डेप्थ तक आपका ये जो आपका क्रेटर है, गड्ढा जो फॉर्म हुआ है, उस क्रेटर को हम बोल, गड्ढे को हम क्रेटर बोलते हैं, उसका डेप्थ। तो ये क्रेटर की दो डायमेंशन है, एक है विड्थ और एक है डेप्थ। तो ये दो डायमेंशन है, अब इसको नापते हैं। और ये पर्टिकुलरली एक डिस्टेंस, ए डिस्टेंस के बाद ही फॉर्म होता है टूल फेस पे, पर्टिकुलर पॉइंटेड एज से ए डिस्टेंस दूरी फॉर्म होता है। और जनरली ये डक्टाइल मटेरियल में फॉर्म होगा, जब आपका वर्कपीस जो होगा वो डक्टाइल होगा तो ऐसे क्रेटर वेयर का फॉर्म होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक रीज़न है कि हीट अप ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से आपका डिफ्यूजन होने लगता है, मटेरियल टूल में से निकल के चिप के साथ लग के जाने लगता है, और हाई प्रेशर यहाँ जनरेट होता है जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट एरिया में हीट ज़्यादा होने की वजह से आपका टूल में से मटेरियल लग के चिप के साथ लग के कॉन्टैक्ट होके और साथ में फ्लो करने लग जाए। तो ये था क्रेटर वेयर। दूसरा वेयर जो होता है उसे बोलते हैं फ्लैंक वेयर। ये जनरली होता है एब्रेशन की वजह से, ठीक है। और ये टूल के फ्लैंक किसे कहते हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो टूल का जो, टूल और वर्कपीस के बीच में कॉन्टैक्ट होने की वजह से उसके बीच में एब्रेशन जो होता है उसकी वजह से ये फॉर्म होता है। तो अगर आप ये देखें, एब्रेशन लिखा है, इट ऑकर्स ड्यू टू एब्रेशन बिटवीन द टूल फ्लैंक एंड द वर्कपीस एंड एक्सेसिव हीट जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द सेम। अब ये होता क्या है, जनरली देखिए, जैसे ये टूल है तो ये टूल का ऊपर वाला जो सरफेस है, ये आपका फेस है, टूल फेस जिसे कहते हैं, ये आपका टूल फेस है ये, और ये नीचे जो है ये फ्लैंक है आपका, ये फ्लैंक है, ठीक है, ये भी फ्लैंक है। तो ये दोनों फ्लैंक एरिया कहलाते हैं, ये एंड फ्लैंक कहलाता है, ये साइड फ्लैंक कहलाता है। अब जो ये फ्लैंक वाला पोर्शन है ये कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए आपके वर्कपीस का, लेकिन जनरली क्या होता है, जब ये थोड़ा सा हम रिलीफ एंगल भी देते हैं इसके लिए, साइड रिलीफ और एंड रिलीफ, लेकिन फिर भी ये जो कटिंग एज है
जो आपका ये साइड कटिंग एज है और ये एंड कटिंग एज है, इसके जस्ट नीचे आप देखिए इस तरह से ये एजिस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो इसके नीचे जो है ये एजिस पे इस तरह से मटेरियल जो है वेयर आउट करने लग जाता है। और ये क्यों होता है, जब ये यही वाला टूल का जो फ्लैंक वाला पोर्शन है जो कटिंग एज के जस्ट नीचे है और फ्लैंक वाले सर्फेस पे है, ये कटिंग एज के जस्ट नीचे और ये वाले फ्लैंक वाले सर्फेस पे, इसे फ्लैंक कहते हैं, इन वाले सर्फेस पे इसकी एब्रेशन होती है, वर्कपीस के साथ एब्रेशन होती है, यानी उसके साथ रगड़ खाता है, रबिंग होती है, जिसकी वजह से ये मटेरियल जो है आपका टूल का घिस जाता है, वेयर आउट कर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैंक वेयर, क्योंकि ये फ्लैंक वाले सर्फेस पे कटिंग एज के जस्ट नीचे होता है और इससे आपका कटिंग एज जो है वो ख़राब हो गया, तो उतना अच्छे से वेयर आउट कटिंग नहीं करेगा, आगे आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी और आपको और वही मटेरियल उतनी एफिशिएंसी निकालने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और आपका एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, और कटिंग एज क्योंकि शार्प नहीं रहेगा इसकी वजह से, तो आपका सरफेस फिनिश भी पुअर हो जाता है, डाउन डिक्रीज कर जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाती है, सरफेस फिनिश आपका पुअर हो जाता है। और ये जनरली टूल नोज है, ये वाला टूल नोज है और ये साइड में आपका कटिंग एजेस हैं, फ्रंट, ठीक है, ये एंड कटिंग एज और ये साइड कटिंग एज, तो इन जगहों पे ये जनरली फॉर्म होता है और ये फ्लैंक वाले सरफेस पे, ठीक है, ना कि टूल वाले सरफेस पे। और इसको ही हम वेयर लैंड भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम जितना एरिया है, ये जो जितना एरिया जहाँ पे ये फॉर्म होता है फ्लैंक वेयर, उसको हम वेयर लैंड भी बोलते हैं। और इसकी एक विड्थ हम नापते हैं, उस विड्थ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली अगर आप देखें तो ये इसकी विड्थ है, मान लीजिए ये नीचे इतनी डेप्थ तक गया, तो ये जो डेप्थ है इस डेप्थ को हम वेयर लैंड कहते हैं, वी बी डब्ल्यू एल और एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एच एफ से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वी डब्ल्यू एल से भी करते हैं और वी बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनकी यूनिट जो होती हैं वो एम एम में रहती हैं, ठीक है। तो और इसमें ये तीन तरह के, इसका अगर हम ग्राफ बना के देखें कि ये जो वेयर लैंड है, जो ये डायमेंशन है, विड्थ है, जो ये फॉर्म हो रही है, अगर उसमें और टाइम के रेस्पेक्ट में जितनी देर तक इसे मशीन करते जाएंगे उसमें वेयर लैंड और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, जितनी देर आप मशीनिंग करेंगे ये विड्थ और बढ़ती जाएगी, यानी वेयर लैंड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उनके बीच में ग्राफ बनाया, एक्स वाई एक्सिस पे आपका फ्लैंक वेयर रखा हुआ, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम रखा है इन मिनट्स एंड फ्लैंक वेयर इन एमएम। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ये पहला पार्ट है जिसको ए पार्ट बोला गया, दूसरा पार्ट आपका बी पार्ट कहला रहा है, ये तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। तो और ये पहला ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ए पार्ट में आप देखेंगे कि आपका फ्लैंक का जो वेयर आउट है वो बहुत जल्दी से होता है, रैपिड होता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी होगा, कम टाइम में काफ़ी कुछ रैपिडली आपका वेयर आउट करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये सेकेंड स्टेज में बी सेगमेंट में धीरे धीरे वेयर आउट करेगा, स्पीड जो है डिक्रीज कर जाएगी थोड़ी, धीरे धीरे वेयर आउट करेगा, तो ग्रेजुअली या प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके वेयर आउट होना शुरू करेगा। और फिर लास्ट में सी सेगमेंट, थर्ड जो स्टेज है सेगमेंट वाली, थर्ड सेगमेंट वाली, उसमें फिर से सडनली रैपिड वेयर आउट होने लगता है, बहुत जल्दी वेयर आउट करने लगता है, और लास्ट में क्या होता है आपका टूल फेल हो जाता है, टूल फेलियर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यही इसी को, इसीलिए ये लास्ट में टूल जो आपका फेल होता है, इसी वजह से इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव रीजन कहते हैं। तो ये आपका यहाँ लिखा होगा पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेयर, तो ये थर्ड रीजन को हम पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेयर भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेयर लैंड हाइट भी बोल देते हैं इसी को, फ्लैंक वेयर को वेयर लैंड को वेयर लैंड हाइट भी बोलते हैं, उससे आप डाउट मत करिएगा, आपको क्लियर रहना चाहिए ये चीज़। और ये जनरली एब्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। और जनरली ये ज़्यादातर कब होगा, जब आपका वर्क पीस जो होगा आपका क्या सा होगा, ब्रिटल होगा, ठीक है। जब आपका वर्क पीस ब्रिटल होता है तब ये ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा आपका वर्क पीस जब ब्रिटल होता है तो ये ज़्यादा फॉर्म होता है, क्योंकि जो चिप इससे फॉर्म होगा, ब्रिटल मटेरियल का जो चिप होगा वो ब्रिटल मटेरियल का होगा, तो वो जो है वो ज़्यादा एब्रेशन पैदा करेगा, तब टूल का जो फ्लैंक सरफेस है और जो वर्कपीस का सरफेस है चिप का, उनके बीच में एब्रेशन जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब एब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका फ्लैंक वेयर होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि एब्रेशन जो फ्लैंक वेयर है वो एब्रेशन की वजह से होता है बिटवीन द टूल फ्लैंक एंड द वर्कपीस। और जब आपका वर्कपीस ब्रिटल है तब आपका एब्रेशन और ज़्यादा है, तो जब एब्रेशन और ज़्यादा होगा तो आपका फ्लैंक वेयर भी ज़्यादा होगा, तो ब्रिटल मटेरियल में ये ज़्यादा फॉर्म होता है, जबकि ग्रेटर वेयर जो है डक्टाइल मटेरियल में ज़्यादा फॉर्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टूल वेयर क्या है। अब अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।